निर्भीक और प्रतिबद्ध पत्रकारिता, भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती के सच्चे रहनुमा, मानवाधिकार की रक्षा में आजीवन तैनात कलम के इस बड़े सिपाही कुलदीप नैयर की शानदार विरासत का इस्तकबाल करते हुए न्यूज क्लिक पर मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। We are against the death penalty. They pick up these political cause. हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह कुलदीप नैयर के ऐतिहासिक योगदान पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी, तमाम बड़े लेखकों ने लिखा, लेकिन वहीं फेसबुक पर उनसे जुड़ी पोस्ट को स्पैम में डाल दिया गया, अश्लील बताकर हटा दिया जाता है। जंजवार वेबसाइट पर कुलदीप नैयर के एक साक्षात्कार को स्पैम बताकर, अश्लील बताकर फेसबुक वॉल से हटा दिया गया। इस बारे में जब हमने वेबसाइट से जुड़े अजय प्रकाश जो पत्रकार हैं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से ये एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें अहम खबरों को अचानक अपने आप मनमाने ढंग से फेसबुक स्पैम या अश्लील बताकर ब्लॉक कर देता है, उसे हटा देता है। जनचौक वेबसाइट पर लगी छत्तीसगढ़ के बस्तर से पत्रकार तामेश्वर की अहम रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से यानी मौके वारदात से, जिसमें उन्होंने यह पड़ताल की कि पिछले दिनों जिन 15 आदिवासियों को नक्सली बताकर सुरक्षा बलों ने मार गिराया था उनकी हकीकत क्या है, वे कौन लोग हैं, उनमें कितने नाबालिग बच्चे हैं, कितने निर्दोष आदिवासी हैं, जिसके बारे में हमारा मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल खामोश रहा, इसकी पड़ताल तामेश्वर ने की और जनचौक वेबसाइट ने उसे छापा। लेकिन होता क्या है कि इस वेबसाइट पर जो खबर छपी है जब वो फेसबुक पे शेयर होती है तो फेसबुक उसे स्पैम बताता है, उसे अश्लील बताता है और उसे हटा देता है। आखिर यह खबर जहां पर एक पत्रकार मौके वारदात से बता रहा है, उस गांव में जा रहा है कि वो जो आदिवासी मारे गए उनके परिवार वालों का क्या कहना है, वो क्या तथ्य जुटा रहा है, किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, वो चीजें किस तरह से स्पैम हो सकती है। और फेसबुक, ध्यान दीजिए, हम यहां पे जानबूझकर इस पर जोर देकर कहना चाहते हैं कि फेसबुक ये फैसला कर रहा है कि यह खबर, चाहे वो कुलदीप नैयर का साक्षात्कार हो, उनका इंटरव्यू हो, या फिर बस्तर की खबर हो, या इस तरह की तमाम और खबरें, इससे पहले भी जो दो तीन खबरें आई हमने देखा है जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने जो संस्मरण लिखे उनको भी यही कहकर ब्लॉक किया गया कि ये स्पैम है या ये अश्लील है। सवाल ये है कि इस तरह की जो जानकारी है वो कैसे स्पैम हो जा रही है जबकि तमाम तरह के दुष्प्रचार, अंधविश्वास, अफवाहें सोशल मीडिया पर निर्बाध ढंग से चल रही हैं। इस बारे में जो जनचौक चलाते हैं पत्रकार महेंद्र मिश्र, उनका कहना है कि ये बहुत सोचे समझे ढंग से हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत मासूमियत से फेसबुक अचानक ही कुछ खबरों को, कुछ जानकारियों को ब्लॉक कर रहा है। महेंद्र मिश्र कहते हैं कि ऐसी तमाम जानकारियां या खबरें जो सरकार के लिए परेशानी पैदा करती हैं उन्हें पीछे से कंट्रोल करके फेसबुक से हटाया जा रहा है। वजह क्या हो सकती है? वजह यह हो सकती है कि जो तमाम खबरें हैं, हमने पिछले दिनों देखा है कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आती हैं जो मार्जिनलाइज्ड के बारे में है, जो मुसलमानों के बारे में है, जो आदिवासियों के बारे में है, जो मजदूरों के बारे में है, या जो इस तरह की तबाही के बारे में है, जो केरल में अभी भीषण तबाही आई उसमें भी हमने देखा था कि जब जानकारियां फेसबुक पर डाली जाती हैं, छोटी बड़ी वेबसाइट्स जो अपने सीमित संसाधनों से जानकारियां इकट्ठा करती हैं और फेसबुक पर डालती हैं तो लोगों तक उसकी पहुंच होती है, लोग सोचना शुरू करते हैं, सवाल उठाना शुरू करते हैं और ये सवाल शायद सत्ता को पसंद नहीं आ रहे और इसलिए सोशल मीडिया पर एक नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसा लगता है जितनी तेजी से ये चीजें हो रही हैं कि आने वाले दिनों में इस पे नकेल और तगड़ी कसी जाएगी। इधर कई खबरें जबरदस्त ढंग से चलाई जा रही हैं या फिर दबाई जा रही हैं। बहुत दिलचस्प वाकया है ये। देश भर में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकल रही है, आप सब जानते ही होंगे, और भाजपा ने यह फैसला किया है कि देश की तमाम नदियों में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा और इसके इर्द गिर्द खूब छोटे बड़े आयोजन हो रहे हैं और उनकी खबरें स्थानीय मीडिया में जमकर आ रही हैं, राष्ट्रीय मीडिया भी
उसे अच्छा खासा कवरेज दे रहा है। लेकिन इन आयोजनों में किस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में बिल्कुल चुप्पी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद किस तरह से जो उनका राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा करने लग गई है, उसके खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं, जो स्वर आ रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। दो वीडियो हैं, दो खबरें हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा छत्तीसगढ़ में आयोजन में जो इस तरह का आयोजन था वहाँ क्या माहौल है, किस तरह से हंसी ठट्ठा चल रहा है, एक तो ये, और दूसरा जो उससे बहुत अहम है, जिस पे सबका ध्यान जाना चाहिए था, वह यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला, जो पहले भाजपा में शामिल हुई थी और बाद में उससे बाहर हो गई, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे वो गंभीर रूप से क्षुब्ध हैं और व्यथित हैं। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। करुणा शुक्ला सीधे सीधे सवाल पूछती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर क्यों इतने साल तक उनको अटल बिहारी वाजपेयी की याद नहीं आई, और उनकी मौत के ठीक बाद सिर्फ वही नहीं, पूरा जो भाजपा का तंत्र है, जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वो एक के बाद एक घोषणाएं करने की झड़ी लगाई हुई है, आखिर क्यों? वही सवाल पूछती है कि जो एक व्यक्तिगत पर्सनल पारिवारिक आयोजन होना चाहिए था अस्थि का विसर्जन का, उसे लेकर इतना लंबा चौड़ा तामझाम आखिर सरकार क्यों कर रही है, इसके पीछे राजनीतिक मकसद क्या है? क्या ये जरूरी सवाल नहीं है? अगर वो उठा भी रही हैं तो क्या ये मीडिया के लिए जरूरी सवाल नहीं? इसके इर्द गिर्द जो खबरें आ रही हैं, जहां जहां यात्राएं निकल रही हैं वहां भी जो खींचतान हो रही है, जिस तरह के आयोजन में उहापोह है, वो सारी खबरें आखिर राष्ट्रीय टेलीविजन में क्यों नहीं आ रही हैं? उन पर समाचार सही ढंग से क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, देश के इस राज्य से लेकर उस राज्य तक ये जो पूरा का पूरा अस्थि कलश यात्रा चल रही है, इसके जरिए जो ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या इस पर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अगर सवाल नहीं उठ रहा तो ये भी सोचना चाहिए कि आखिर यह सवाल क्यों नहीं उठ रहा। इसी तरह से आप देखिए कि कलश यात्रा के लिए किस तरह से सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके उदाहरण बहुत कम मिल रहे हैं या प्रमाण बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि हम खोजना भी नहीं चाह रहे। छत्तीसगढ़ बस्तर से एक ऐसा ही प्रमाण मिला है जहां पर बकायदा ग्राम पंचायतों को सरकारी कागज पर लिखकर कहा गया है कि इस कलश यात्रा के लिए कम से कम आपको 50-50 लोगों को लाना है। यह एक जो जरूरी कार्यक्रम है जो चल रहा है चारों तरफ, इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, इसकी पड़ताल हमें और आपको और हमारे मीडिया को करनी जरूरी है। मीडिया किस तरह से कुछ खबरों को दिखाता है और कुछ खबरों की अनदेखी करता है, इसका एक उदाहरण हमें पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक अहम कार्यक्रम की रिपोर्टिंग को लेकर देखने को मिला। यह कार्यक्रम था नरेंद्र दाभोलकर की हत्यारों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर हुआ था, और उसमें उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, वहाँ पर अंधविश्वासी विरोधी मंच का यह प्रोग्राम था, और इस कार्यक्रम में ठस्सम ठस्सा भीड़ थी, पांव रखने को जगह नहीं थी, और तमाम जो नामचीन लोग थे, जेएनयू की प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी से लेकर स्वामी अग्निवेश, शमशुल इस्लाम, तमाम लोग थे, लेकिन इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कोई खबर नहीं आई। वजह क्या? यहां पर खुलेआम यह बताया गया कि किस तरह से केंद्र सरकार अपने राजनीतिक वर्द हस्त का इस्तेमाल कर रही है अंधविश्वास को फैलाने में, किस तरह से वो इस्तेमाल कर रही है एक भय का माहौल बनाने में, गाय को लेकर किस तरह से एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, तमाम तरह के जो सड़े गले रीति रिवाज हैं जिनके खात्मे के लिए दाभोलकर लड़ते रहे और उसी के वजह से उनको मारा गया, उन्हें जान गंवानी पड़ी, इन तमाम चीज़ों को बहुत मजबूती से वहाँ रखा गया और लोगों ने बहुत खुलकर शिरकत की और ये प्रण भी लिया कि हम अंधविश्वास का उन्मूलन करेंगे। यह खबर मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए कोई खबर नहीं बनी। क्यों? चलते चलते दो तीन अहम खबरों पर चर्चा करना जरूरी है। पहला तो बिहार का मुजफ्फरपुर, जहां पर बच्चियों के साथ हुई यौन हिंसा की जो खबरें आई थी, उन्होंने देश के पटल पर एक बहुत अहम सवाल रखा था कि बच्चियां जो इन सुधार गृह में रह रही हैं वह कितनी सुरक्षित हैं, और जो राजनेता उसमें शामिल है शोषण में, उनको सजा मिलेगी कि नहीं।
इस मामले की जो सुनवाई चल रही है वहां पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसकी रिपोर्टिंग ना हो। इसे लेकर जो पत्रकार हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यह खबर इतनी दूर तक इसीलिए जिंदा रह पाई क्योंकि मीडिया इसे कवर कर रहा था, वरना जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह इसे दबाने की फिराक में था। मार्च से लेकर अभी तक इस मामले को दबाने की क्या क्या कोशिशें हुई इस बारे में तमाम लोग, हम भी बात कर चुके हैं, तमाम लोग भी बातचीत कर चुके हैं। तो पहली खबर तो यह। दूसरी खबर जो बहुत ही दिल दहलाने वाली है वह भी बिहार से है। बिहार में बिहिया इलाके से, बिहिया इलाका भोजपुर और आरा के पास पड़ता है, वहां पर दिन दहाड़े एक महादलित महिला के साथ जो अभद्रता की गई, जिस तरह से भयानक ट्रीटमेंट उसके साथ किया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया एक उन्मादी भीड़ ने, जिस भीड़ के सारा चेहरा दिखाई दे रहा है, वीडियो वो लोग बना रहे हैं, और वह भीड़ उस महिला को निर्वस्त करती है, पूरे इलाके में घुमाती है, पुलिस वहां कुछ नहीं करती। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं उस महिला का कोई अता पता नहीं है। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि एक लड़के की लाश रेल पटरी पर मिलती है और पुलिस 4-5 घंटे तक कुछ नहीं करती है, और उसके बाद जो कुछ लोग हैं जिसमें युवा ब्रिगेड बहुत ज़्यादा है, अगर आप वीडियो देखें तो आपको दिखाई देगा कि युवा किस तरह से उस महिला के साथ बदसुलूकी कर रहे हैं, उसे चारों तरफ घुमाया जा रहा है, और पूरा का पूरा प्रशासन बाद में लीपापोती के लिए आता है, कुछ लोगों को हटा दिया जाता है, लेकिन इस खबर के पीछे जिस तरह से मीडिया को लगना चाहिए था, फॉलोअप होना चाहिए था, उस तरह का फॉलोअप हमें नहीं दिखाई देता। ये जो उन्मादी भीड़ है, ये जो लिंचिंग पर उतारू भीड़ है, ये हम सबको कितना परेशान कर रही है। और इस भीड़ के पीछे के जो चेहरे हैं, ये जो लोग उतारे गए हैं सड़कों पर, जिन्हें लगता है कि वो खुद ही वीडियो बना रहे हैं, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं और दोहराते रहेंगे, क्योंकि ये हो रहा है हमारे समाज में। एक महिला को किस बेशर्मी के साथ, किस बेखौफ ढंग से, उनको जरा भी डर नहीं है कि उनका कुछ होगा, वे खुद फैसला कर लेते हैं कि ये जो महिला है यही उस लड़के की मौत की जिम्मेदार है, और उसके बाद जो वो तांडव करते हैं, ऐसा ही तांडव हमें अभी राजस्थान में दिखाई दिया, जहां पर कावड़ियों की एक भीड़ जा रही है और उसको लेके अलग अलग ढंग से खबरें आ रही हैं, लेकिन वहां पे जो वीडियो हमारे पास पहुंचा है वो दिखा रहा है कि कावड़िये मस्जिद के सामने किस तरह के नारे लगा रहे हैं, किस तरह से उकसा रहे हैं, और उसके बाद जो ध्रुवीकरण वो कराना चाहते हैं वो कराने में सफल होते हैं। आखिर ये जो भीड़ है जो हमारे जनतंत्र पर हावी होती जा रही है, इसे मीडिया कैसे टैकल करेगा? मीडिया कैसे दिखाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनके मकसद क्या हैं? मुझे लगता है आज वक्त की ज़रूरत यह है कि हम ये बताएं कि ये जो अचानक भीड़ उतरती है सड़क पर, यह अचानक नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, और यह बताना इस मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों आते हैं, ये क्यों इन युवाओं को अपराधी में तब्दील कर रहे हैं। आखिर जो लोग उतर रहे हैं, जिस महिला के साथ इतना भयानक बर्बर व्यवहार कर रहे हैं, वे कौन हैं? ये जब तक हम नहीं जानेंगे और सवाल नहीं उठाते रहेंगे, हमारा जो गणतंत्र है वो नफरत के गणतंत्र में तब्दील होता रहेगा। बस इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ चुपते हुए सवालों के साथ, कुछ ज़रूरी रिपोर्ट्स के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up these political भड़काने के लिए आपको वाह मोदी।